हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देख पा रहे होंगे एक सिंपल सी शर्ट मेरे पास है जिसकी लुक हमें चेंज करनी है। यहाँ पर फोटो में आप देख पा रहे होंगे जो शर्ट यहाँ पर वेयर किया हुआ है, इसमें फ्रंट में कुछ बटन्स लगे हुए हैं और फ्रंट में इसके हल्के हल्के कुछ गैदर्स बने हैं। बैक इसकी बिल्कुल सिंपल है। इसकी लुक को हमें चेंज करना है। वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देखिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर जो शर्ट हमारी है वो सीधी साइड में है, इसको हमें सबसे पहले पलट देना है रॉन्ग साइड में। बटन्स खोलने के बाद इसको हम रॉन्ग पोजीशन में प्लेस करेंगे, जैसे काज पट्टी बटन पट्टी के ऊपर रहेगा। इस तरह से देखिए हमें प्लेस करनी है। अब हम इसकी लेंथ चेक करेंगे। यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 27 इंचेस है टोटल। हमें इसको थोड़ा सा क्रॉप करना है, हल्का सा छोटा करेंगे। 1 इंच हम मार्क करते हुए पूरे शर्ट में हम मार्क कर लेंगे 1 इंच। यहाँ पर मैंने अच्छे से निशान लगा दी है। अब इस पार्ट को हमें कट करके अलग कर लेना है। यहाँ पर मैंने कटिंग कर ली है, आप देख पा रहे होंगे। अब हमें बैक साइड में टर्न करना है शर्ट को। शोल्डर से हमें 14 इंचेस मार्क करना है। दोनों ओर से हमें इस तरह से शोल्डर से लेके 14 इंचेस तक मार्क करना है। अब इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेना है। इस तरह से ये जो निशान बनी है इसको अच्छे से ट्रेस करने के बाद हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये इलास्टिक ली है। आप चाहो तो हल्की सी पतली इलास्टिक भी ले सकते हो। यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो 14 इंचेस है। इलास्टिक को हमें इसके ऊपर स्टिच करनी है, देखिए इस तरह से। चलिए मशीन में हम इसको स्टिच करके बताते हैं। देखिए, यहाँ पर जो बॉडी की जॉइंट है वहीं से हमने स्टिच करना स्टार्ट किया है। इस तरह से दोनों एंड तक हमें यहाँ पर स्टिच करनी है। यहाँ पर एक पिन लगा ले, जो हमने दूसरा निशान लगाया है दूसरे जॉइंट में, हमें इस तरह से पिन लगाकर इसको सिक्योर कर लेंगे ताकि जो हमारी इलास्टिक है वो अच्छे से स्टिच हो पाएगी। इसको यहाँ पर हमें लॉक कर लेंगे। बैक साइड में मैंने यहाँ पर इलास्टिक लगा ली है। इसके बाद इसकी लुक आप देख सकते हैं। अब हम चलेंगे फ्रंट की ओर। फ्रंट में आप देख पा रहे होंगे जिसमें बटन्स लगे हुए थे, अब हम इसको ओवरलैप करेंगे एक पट्टी को दूसरे पट्टी के ऊपर इस तरह से। इस तरह से लगाने के बाद ऊपर से हमें इतना छोड़ देना है, आप देख पा रहे होंगे कॉलर से हमें इतना ही छोड़ देना है। जो फ्रंट के बटन लगे हुए थे हमें इतना तक छोड़ देना है और इसी पॉइंट से हमें नीचे की ओर हमें स्टिच कर लेना है। दोनों पट्टी को छोड़ते हुए हमें स्टिच करना है, काज और बटन पट्टी को। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे ऐसे ही हमें नीचे तक स्टिच कर लेना है। यहाँ पर देखिए मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसमें जो बटन्स लगे हुए हैं इसको हमें रिमूव कर लेना है। तो देखिए, जो पट्टी को हमने ओपन छोड़ा था इसको हमें इस तरह से फोल्ड करना है बैक साइड में। बटन्स मैंने रिमूव कर लिया है, इस तरह से बैक साइड में फोल्ड करते हैं। इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है क्योंकि हमें यहाँ पर नेक पैटर्न बना रहे हैं। तो देखिए, इस तरह से हमें स्टिच कर लेना है। इस तरह से स्टिच करने के बाद हमारे पास जो नेक की शेप बनेगी वो वी शेप नेक बन जाएगी, जिसमें बटन्स बिल्कुल भी नहीं रहेंगे फ्रंट में। ऊपर हमारी फ्रिल कलर ऑलरेडी है इसमें, उसके साथ साथ हमने वी शेप नेक बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पर स्टिचिंग हो गई है। अब हमें बॉडीज में हल्की हल्की फिटिंग करनी है क्योंकि टॉप थोड़ी सी बड़ी साइज की थी, तो आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर हल्की हल्की फिटिंग दूंगी, करीब 1-1 इंच की मैंने यहाँ पर फिटिंग के निशान लगाई है जिसके ऊपर हमें स्टिच करनी है।
दोनों साइड हम इस तरह से इसकी फिटिंग कर लेंगे। बॉडी की फिटिंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम चलेंगे नीचे की घेरे की फोल्डिंग करने के लिए। देखिए हल्की हल्की फोल्ड करनी है हमें, इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए इसके ऊपर हमें स्टिच करनी है। फोल्डिंग के साथ साथ हमारी ये सारी स्टिचिंग यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। जितने भी बटन्स हमारे यहाँ पर लगे होंगे हम इसको रिमूव कर लेंगे। इसके बाद हमारी टॉप बिल्कुल रेडी है वेयर करने के लिए। आज का ये DIY आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर ये आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है तो इसे प्लीज़ लाइक करना। इसी तरह से अच्छे अच्छे डिज़ाइंस एंड DIY के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे। आपकी एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिलती है अच्छे अच्छे वीडियो क्रिएट करने के लिए, अच्छे कंटेंट्स आपके पास लाने के लिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।